नमस्कार, मैं प्रियांशु चतुर्वेदी, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का स्वागत। भारत से हर साल तमाम लोग विदेशों में नौकरी करने जाते हैं। कई बार वो वहां जाकर बस जाते हैं और साल 6 महीने में अपने परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए भारत वापसी करते हैं। लेकिन वहीं अगर विदेश में रहने के दौरान किसी भारतीय की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? ऐसे में उस व्यक्ति का मृत शरीर भारत वापस लाने की प्रक्रिया पहले काफी लंबी होती थी, लेकिन अब इसे आसान बना दिया गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस प्रोसेस में क्या बदलाव किए गए। सबसे पहले तो बता दें कि विदेशों से भारतीयों का मृत शरीर वापस लाने के लिए सभी एयरलाइंस एजेंसियों ने ओपन ई केयर प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया। बीते गुरुवार से ये ई केयर प्लेटफॉर्म चालू कर दिया गया है। इस ई केयर प्लेटफॉर्म के शुरू होने के बाद से अगर किसी भी व्यक्ति के साथ विदेश में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिजनों को बस इसके लिए अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपके आवेदन को मंजूरी दिलाने और विदेश से डेड बॉडी लाने का प्रोसेस फास्ट ट्रैक तरीके से पूरा कर दिया जाता, जिससे कि इस दुख भरी घड़ी में किसी भी परिवार को दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। इससे पहले जब भी किसी भारतीय नागरिक की विदेश में मौत हो जाया करती थी तो परिजनों को उसका मृत शरीर भारत वापस मंगवाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। इसके लिए एक दो नहीं बल्कि कई स्टेप्स के लंबे प्रोसेस होते थे जो कि मृत व्यक्ति के परिवार वालों को फॉलो करने पड़ते थे। ऐसे में मृत व्यक्ति का शरीर उसके घर वालों तक पहुंचने में कई बार तो एक हफ्ते या उससे ज्यादा का समय भी लग जाता था। वहीं अगर व्यक्ति की मौत किसी असामान्य कारण से हुई है तो ये प्रोसेस और भी ज्यादा लंबा हो जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति से जुड़ी सभी जांच पूरी की जा सके। ऐसे में कई बार तो विदेश मंत्रालय के साइन की भी जरूरत पड़ जाती है, जिसको लेकर पिछले काफी समय से भारतीय नागरिकों का शव लाए जाने के प्रोसेस को आसान बनाने की मांग की जा रही थी। ऊपर वीडियो में हमने जिस ओपन ई केयर प्रोसेस के बारे में बात की, आपको उसके बारे में बताते हैं। इस ओपन ई केयर प्लेटफॉर्म को कई सारी एयरलाइंस ने मिलकर तैयार किया। इसके हिसाब से भारतीय नागरिकों की विदेश में हुई मौत के बाद उनकी डेड बॉडी जल्द से जल्द भारत लाने आसान बना दिया जाता है। इसका प्रोसेस बेहद आसान हो गया है। इसके लिए मृत व्यक्ति के परिवार को अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। ओपन ई केयर प्लेटफॉर्म दिल्ली एयरपोर्ट पर खोला जाएगा, जो कि एक डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा। बता दें कि ये डिपार्टमेंट सभी एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, एम्बाल्मिंग, इंडियन एम्बेसी द्वारा दिया गया एनओसी और इसी के साथ मरने वाले व्यक्ति का कैंसिल पासपोर्ट जमा कराना होगा। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।